अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गैस, कैसे हो आप लोग? और आगे हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अब ये भी सैरी करके आया हूँ ना, तो कमेंट्री का मोड नहीं था, तो इसलिए ना एनर्जी आपको थोड़ी सी डाउन लगी होगी पब्लिक। बाकी हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी हमेशा की तरह, और जब मैं बोलूँ ना सस्ती शायरी विद एनोनिमस, तो आप सब मिल के मेरे साथ बोलेंगे। ओके ओके चलो। कि छोटी ईद के बाद बड़ी ईद की तैयारी है, वाह 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 वाह। छोटी ईद के बाद बड़ी ईद की तैयारी है, अनोनिमस को सस्ती शायरी की बीमारी है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जे। गैस न्यू अपडेट आ चुका है, और कुछ दिनों में जो है वो नया सीजन भी आ जाएगा। तो आपको ये अपडेट कैसे लगा? मेरा मार्क का उतना प्यारा व्यू आता है ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको अपडेट कैसा लगा, एक तो ये बताना, और दूसरा आप 10 में से मार्क्स देना नई वाले अपडेट को, कि आपको 10 में से मतलब मार्क्स से पता चलेगा ना कितने परसेंट अच्छा लगा, 9, 8, 7, 6, तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो गाइस काफ़ी मज़े का लगा, और ये जो व्यू आते हैं तूफ़ान का, और लाइक इस मैच में तो वो तूफ़ान नहीं आया था, बट मेरे को लगता है कि हाँ तूफ़ान भी आ जाता है किसी किसी मैच में, आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा कुछ होगा शायद से, तो लेकिन इस मैच में नहीं था। बाकी आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि मुझे पता है मेरी पब्लिक को मुझसे ज़्यादा पता होगा। गाइस हम जा रहे थे सैन मार्टिन, और सैन मार्टिन कोई नहीं आया था, और अभी ना वो लाइक सैरी के लिए उठाने वाला आ रहा है, उसने बाइक पे लगाई होती है टेप, और बज रहा होता है कि मैनु सोने ने बुलाया मैं मदीने चली आ। तो आप लोग सैरी में कैसे उठते हो? लाइक ओके, अभी शायद आपको आ रही हो आवाज़, पीछे से गली से गुजर रहा है वो। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग सैरी में कैसे उठते हो। तो गाइज ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मिराडो ब्लास्ट कर दी, और लाइक मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक ही होती है, मेरे टीममेट्स ने बताया, तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि गोल्डन मिराडो थी और ये मैंने ब्लास्ट कर दी। बट देखो बाबा जी, किल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके किल के भुक्के। तो अब थोड़ा सा दुख मना रहे थे यहाँ पे कि हमने मिराडो जो है वो ब्लास्ट कर दी, और आप सोचोगे कि हम रोड पे खड़े होकर क्या कर रहे थे, तो हम सस्ते नशे करके टिकटॉक बना रहे थे, तो ये गाड़ी आ जाती पीछे से। अब ये गाड़ी अभी तो मुझे पता आपने लाइक बटन नहीं ठोका, तो प्लीज़ ठोक दिया तो थैंक यू सो मच, गिली गिली चुम्मी, और अगर नहीं ठोका तो प्लीज़ जाके दबा दो लाइक बटन गाइस सब के सब। ये गाड़ी गुजरी थी और उन्होंने वहाँ पे टैप फायर भी दिया, तो हमें पता चल गया ये लोग रुके हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता था हैं कहाँ, तो हम लोग इनको ढूंढने लगे। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, आगे पीछे देखने के बाद, मैं बिल्डिंग के ना छत पर चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देख रहा था पेट्रोल पंप पे तो नहीं है, और ऐसा ऐसा अपना एंगल चेंज कर रहा था, वहाँ पे मुझे बंदा भागता हुआ नजर आता है। हमने कहा सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, अपने टीममेट्स को बताया और वेट कर रहे हो, ये भाई आएंगे, आ जाओ भाई रमज़ान से ऊपर लेके। तो ऊपर वाले ने इसको हमारे लिए ना रमज़ान सूट दे के भेजा था मेरे भाई को, और हम ये उठाएंगे। अब मेरे टीममेट्स अलग एंगल पे हैं और मैं यहाँ पर, उनको मेरी पोजीशन पता, तो मैं इसलिए खड़ा नहीं हो रहा था। अच्छा स्प्रे दे के नॉक कर दे तो मैं सबसे अलग हूँ, मैं मर जाता, और मेरे को मरना नहीं था। तो मेरे टीममेट्स ने जब दूसरी साइड से रश किया, मुझे पता था ये वाला बंदा बाहर निकलेगा, और ये निकला भी सही, और मैंने साइड से इसको नॉक किया, आखिरी बंदा मेरे टीममेट्स ने मार दिया, तो ऐसे हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। ओके नहीं मिला, तो जाके गाइस लूट करेंगे, और फिर वही बात, लूट का नो मजाक। और आपको एक और बात बताऊँ कि ऑल पे ना हमारी पब्लिक थी जो कि हमसे मिलने के मुंतजर हैं, और वो अभी बंदे मार रहे थे और किल फील्ड में नया माता, मुझे याद आ गया। तो गाइस यहाँ पे हमें मिल जाता है रमज़ान वाला सूट, और ये सूट आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में बताना, मेरे को तो काफ़ी प्यारा लगता है, पता नहीं ये रमज़ान वाला है या अलादीन वाला है, बट हाँ सूट मज़े का है। तो उसके बाद हमने स्कोप वगैरह करा दिया, 6x हमें मिल गया था, हमने की मज़े से बाबा जी यहाँ पे लूट। उसके बाद गाइस काफ़ी गेम प्ले में कट कर दिया यहाँ पे, और टॉप पे आ गए थे बंदे, मेरे पास 2 गेम प्ले थे, मैंने कहा पब्लिक को दोनों दिखाने चाहिए, और मैं यहाँ पे स्प्रे दिया इसको, तो इस बेचारे को हेड लगा, बॉडी लगा, बट ये वहाँ से नॉक नहीं हुआ। तो फिर जब मेरे टीममेट ने इसको भी नॉक दिया, तो ऊपर हो गए थे 2 नॉक। तो हमने फैसला किया बाबा जी एक बंदा यहीं से देगा कवर। गैस कभी भी अगर रश करो ना, चारों गाड़ी में मत कर दो, एक बंदा अलग रहे और 3 बंदे अलग, इससे क्या होगा, डिसएडवांटेज नहीं होगा आपको। हाँ एक बंदा तो कम हो जाएगा, बट आपको अपनी टीम पर ट्रस्ट होना चाहिए ना कि आपके 3 भी 4 डाउन कर सकते हैं, और एक बंदा अलग एंगल से उनको मारते रहे। हमने अब यही किया, 3 बंदों ने कर दिया रश, और हमारा एक टीममेट बिल्कुल अलग एंगल से मार रहा है, क्योंकि अगर वो हम पे एंगल लेंगे तो टीममेट मार देगा, टीममेट पे लेंगे तो हम मार देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दो अपनी एनिमी को, और ऐसे आप इजीली उनको डाउन कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल स्मोक के दरमियान से गाड़ी गुजार दी, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्मोक के दरमियान में ही रैप दे रहे होते हैं, और बहुत से स्मोक के पीछे,
तो एक बंदे का किल मिला मुझे यहाँ पे गाइस। यहाँ पे मैंने अपने भाई को डाउन किया और अब इनका किल कंफर्म करेंगे। अब पता नहीं ये दो टीम्स थी या क्या, क्योंकि जिसको मैंने मारा वो डायरेक्ट मारा था और मैंने नॉक भी कोई नहीं किया था, तो मे बी ये दोनों टीम थी। क्योंकि एक बंदा ना गाइस ऊपर गाड़ी में सो रहा होगा। पहले तो हमें मिलती हैं यहाँ पे हमारी पहली मोहब्बत AWM जो हम फ़ौरन से उठाएंगे। और इनका एक बंदा जब मैं जाता हूँ टॉप पे, गाइस कभी भी लो ग्राउंड पे मत रुको, जैसे भी हम नीचे हैं ना, सामने आप देख सकते हो हाइट है, हाइट पे चले जाओ वरना हाइट से आपको पड़ गई तो आप बच नहीं पाओगे। तो जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा भाई गाड़ी में बंदा बैठा है। और गाइस अगर कभी भी आप तीन बंदे मार दो आपको चौथा बंदा नहीं मिले तो एक बार उनकी गाड़ी चेक कर लिया करो, ऑफलाइन टीममेट मिल जाता है। ये देखो ऑफलाइन बेचारा, इसकी मम्मी ने बोला होगा जा बेटा दूध लेके आ, दही लेके, ऐसा कुछ मंगाया होगा या बोला होगा जा बेटा आलू लेके, और अंकल को बोलना धनिया पुदीना साठ, नहीं धनिया पुदीना तो नहीं, हाँ अंकल को बोलना कि हरा धनिया और हरी मिर्ची थोड़ी सी साथ में डाल दें। लॉल सस्ता सस्ती अम्मी जान वेदना नहीं बस लॉल। तो गाइस इसके बाद आम हमें मिल गई थी और मैं मैप खोल के देख रहा था कि कंपाउंड्स हैं क्या सीन है और यहाँ पे बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था। तो जब हमारी मुंडी थोड़ी सी मुड़ेगी तो हमें नजर आएंगे सामने दो मामे हिट दे जो कि उल्टा लेट के अपना पिछवाड़ा ऊपर की तरफ करके अपने पिछवाड़े पे धूप लगा रहे थे। ये मैंने अपने भाई को कान के नीचे लगाया, वो मुझे स्पॉट कर चुका था और उसका दूसरा टीममेट प्रोन हो जाता है। और ये रिज है और रिज के पीछे मुझे मेरा शॉट नहीं लग रहा था और फिर मैं कर देता हूँ बाबा जी रश आगे की तरफ, टीममेट पीछे होते हैं मुझे किल। एक डाउन किया इस बेचारे ने तो हील भी नहीं किया था, दूसरा डाउन किया और फिर मैं चला जाता हूँ इनके क्लोज। और ये लोग बोल रहे थे कि एक बंदा वहाँ से आ रहा है, एक बंदा वहाँ से आ रहा है, बट मेरे को कोई मिला नहीं। पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया था या वो अलग टीम थी, क्योंकि यहाँ पे एक और टीम होती है गाइस। तो मैं पहले आगे की तरफ आया, आराम सुकून से अपने किल सिक्योर करेंगे। गाइस देखो साइड में कितना प्यारा लग रहा है, वो तूफान वाली साइड में जोन जो चमक रहा है ना, वो देखो लेफ्ट पे कितना प्यारा लग रहा है, लाइक वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था, कितना प्यारा व्यू आ रहा था। यहाँ पे किल कंफर्म किया गाइस अपना और मैं यहाँ पे देख रहा था और बंदे कहाँ हैं, क्योंकि एक और नॉक किया था उसकी बॉडी मुझे नहीं मिल रही थी। तो अब मैं उसी की बॉडी ढूंढने लग जाता हूँ कि शायद से मिले। और एक किल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, KD बढ़ाने का राज होता है एक किल लॉल। तो गाइस यहाँ पे मुझे नजर आता है भाई हमारे वहाँ अंदर शैक में गाड़ी खड़ी और बंदे बैठे हैं, कान के नीचे लगाया किसी और को देख रहे थे। और उसके बाद हम लगा देते हैं बाबा जी दुड़की और भाग रहे थे बस शैक की तरफ, एक किल उठा लें बाबा जी वरना तो रिवाइव हो गया ना तो काफ़ी दुख होगा, और हमारे टीममेट को किल मिल गया तो उससे भी ज़्यादा दुख होगा बाबा जी। तो बस M4 ओम पकड़ के भगी जा रहे हैं शैक की तरफ। और शैक में शायद से मेरे भाई लोग ना रैंक पुश कर रहे थे, तीन के तीन बंदे गज एक शैक में बैठे हैं, मतलब क्या स्मोक कर रहा था मेरा भाई अंदर, इनको किया नॉक। और अब दूसरा टीममेट इनका मैं देख रहा था कहाँ पर है, बट वो भी अंदर ही था लॉल। और ये रहे वो दूसरी टीम में, तीन नॉक हो गए थे गाइस इनके, चौथा बंदा यहाँ पर था इसको मैंने मारा और मेरी एक टीममेट को नॉक करता है बट मुझे किल इसका नहीं मिलता। और गाइस फिर हम इनकी करते हैं लूट, क्योंकि क्रेट अब देखो मैं गाइस मेरे को लूट की कोई कमी नहीं है, Level 3 बैग ओम M4 6x 8x, फिर भी देखनी है क्रेट में है क्या, नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या। तो एक और बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है और ये भी दोबारा से मेरे टीममेट को डाउन करता है, बट मैं कवर दे के इसको डाउन कर देता हूँ और हमारे टीममेट रिवाइव हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पे ना फिर तीन ही बंदे बचे थे और मैं जंप वगैरह करके बंदा स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था कि भाई कहाँ पर हैं बंदे, ढूंढते हैं। और वो बंदे थे हमारी अनोनिमस की पब्लिक। जब मैं यहाँ पे घरों की साइड देखा कि बंदे तो नहीं है, यहाँ पे मुझे नीचे जंप करते नजर आए। और फिर हमारा होता है मीता, हमने थोड़ी सी गपशप लगाई अपनी पब्लिक के साथ और फिर हमारे भाई लोग बोलते हैं कि अनोनिमस भैया हमें आपसे पैन फाइट करना है। हमने कहा ओके भाई आ जाओ पैन फाइट करते हैं। तो पहले थोड़ी सी बात वगैरह की, और फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है पैन फाइट। रूल ये था कि कोई हील नहीं करेगा और कोई रिवाइव नहीं देगा, जो नॉक हो गया नॉक हो गया और एक एक करके आएंगे। तो पहले मैंने अपने एक भाई को डाउन किया, अब मैं ना हील कर सकता हूँ ना ये भाई रिवाइव हो सकते हैं और एक एक करके आएंगे। इनका दूसरा टीममेट आता है, पैन नहीं था उनके पास तो टीममेट ने पैन दिया और पैन उठाने के बाद टीममेट से ये आ जाते हैं, दूसरा टीममेट फाइट लेने के लिए आ जाता है। अरे आ जाए भाई ये रहा मैं आ जाए। फिर हमारे भाई जो है ना ओके दूसरे भाई को आना था, उन्होंने पैन उठाया और ये वहाँ से फाइट लेने के लिए आ जाएंगे। और उन्होंने पैन मारा ओके मैंने भी मारा, ओ भाई साहब गाइस मेरी 1 HP रह गई और दो बंदे को मैंने डाउन कर दिया। अब इनका तीसरा बंदा पैन उठाएगा, क्या मैं इसको मार पाऊंगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर भैया हमारे आते हैं सब बस हेलमेट वाले और इन्होंने एक ही लगाया और हम हो गए डाउन। अब जाएंगे हमारे दूसरे टीममेट और मैं ना रिवाइव हो सकता हूँ और ना बाकी इनके बंदे रिवाइव हो सकते हैं, उनको एक एक करके जाना होगा। ये दो लड़ रहे थे तो मैंने मना किया भाई आप एक एक करके आओगे। फिर हमारे एक टीममेट जाते हैं फाइट लेने के लिए और ये उनको भी डाउन कर देते हैं। और ये भाई 1v3 क्लच करने वाले हैं अभी,
और ये इनको भी डाउन कर देते हैं। तीन बंदे डाउन कर दिए मेरे भाई ने, अब एक ही बंदा बचा है साइलेंट, और ये उनसे फाइट लेंगे 1v1 पैन फाइट। और उनकी टीम दुआ करती है हम जीत जाएं, और हमारी टीम दुआ करती है हम जीत जाएं। और फैसला था इन दोनों के हाथों में, जो जंगली बिल्लियों की तरह पैन लेके पबजी में आपस में फाइट कर रहे हो। साइलेंट जाना वो हाइट की तरह भागता है। गाइस हाइट पे मैं बता दूं क्या फ़ायदा, हाइट पे अगर आप हो ना गाइस, अगर आप हाइट पे हो तो आपको ना आप अपने पैन से ना हेडशॉट मार दोगे, और हेडशॉट एक ही लगे तो बंदा नॉक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। गाइस आप लॉबी देख सकते हो, 7 स्टार चल रहा था मेरा इस पे। उसके बाद एक गेम प्ले में, तो मुझे पता है आप लोग राजी नहीं होंगे, तो हम लाए दूसरा गेम प्ले। और यहाँ हम आए थे अपने शहर पिंडी पॉचिंग की, और गाइस स्क्वाड गिनो 1 2 3 4, ये 4 हो गए, एक लेट आ रहा है अभी, वो नज़र नहीं आया मुझे, 4 ही लगे थे, 5 हम ठीक है, मुझे लगा बस 5 स्क्वाड। बट एक स्क्वाड जहाँ मैं जा रहा था सबसे अलग, जहाँ कोई नहीं उतरा था वहाँ भी एक स्क्वाड आ जाता है, तो मतलब 6 स्क्वाड टोटल पॉचिंग की में आए थे। फिर गाइस मैं पीछे आता हूँ, ये वाला घर लूटूंगा, कुछ नहीं होता, फिर मैं बॉट को मारने के लिए दूर चला जाता हूँ, वहाँ पे बॉट को मारा, गन उठाई उसकी, और फिर से वापस आता हूँ। बहुत फाइट हुई थी गाइस यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करूँ, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन किया, एक हमारा टीममेट डाउन था, क्योंकि लंबी वीडियो से मतलब आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाओगे, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस आप फाइट देखो अच्छे से। 4 किल ऑलरेडी थे मेरे, और ये बंदा ऊपर बंदर बना हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्राई किया इस पे एंगल लेके इसको नॉक करता हूँ बाबा जी, बट ऐसा नहीं हुआ। बंदर बन के हमारे भाई जो छत पे जंप कर रहे थे, और ये छत पे गया कैसे, वो आप इस वाले घर में जाओगे, और इस वाले घर में जाके ऐसे जंप करके आप सामने वाली छत पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे मैं उन्हीं की जो टेक्निक है वो यूज़ करके उन्हीं की टीम का खेल बिगाड़ते गए। अब हम दोनों टीमें बची थी फाइट लेके, 6 स्क्वाड थे, और अब बचते हैं सिर्फ 2 स्क्वाड। ओके नहीं सॉरी सॉरी माई बैड, 3 स्क्वाड अभी भी बचे हुए हैं, मतलब हमें मिला के 3 स्क्वाड बचे हुए हैं। और फिर अब यहाँ पे मैं एक अलग पोजीशन लेके बैठा हूँ जो कि उनको नहीं पता, और अगर आपका एक टीममेट ऐसी अच्छी पोजीशन पे बैठ जाना आप उनका खेल बिगाड़ सकते हो। ये देखो गाइस मैंने एक डाउन कर दिया, खेल कैसे बिगाड़ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनको नहीं स्पॉट हूँ मैं कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है गाइस, ये बंदा टीपी पे लेके मुझे स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट क्योंकि उनका टीममेट डाउन गया उनको शायद से मेरी पोजीशन नहीं पता, या पता भी है तो वो मुझ पर टीपी पे ले रहे हैं। फिर मैं पीछे जाके नेड कुक किया ताकि उनको साउंड ना जाए नेड का, और गाइस एक नेड गेम चेंज कर देगा यहाँ पे। बट ये अच्छी लॉबी है तो इतना भी ईजी नहीं है, आखिरी बंदे को ही मारना। गाइस यहाँ पे मैंने 2 नॉक किए, तीसरा मैंने बैरल से नॉक कर रखा था, इनका आखिरी बंदा बचा था, 3 में डाउन कर चुका था, मैंने ऊपर रश किया और इसने तो भाई कान के नीचे लगाया शॉटगन से, फिनिश करने का पूरी कोशिश कर रहा है ये, और मेरे एक एक टीममेट ऊपर जाएंगे, और ये अपने शॉटगन से एक एक करके नॉक करता जाएगा, क्योंकि अच्छे प्लेयर होते हैं गाइस ये अरबी, और इनकी कुकिंग अच्छी होती है। ऊपर से मेरे टीममेट हो गए कन्फ्यूज, उनको पता नहीं है कि हमारे टीममेट को मारना है या उसको मारना है। ओके 2 डाउन थे सॉरी, बट इतने कन्फ्यूज हो गए थे ये, इनको पता नहीं था कि लाइक एनिमी कौन है और टीममेट कौन है, लॉल। फिर गाइस यहाँ पे बॉट फायर हो रहा था, मुझे शक था कि बंदे, क्योंकि स्क्वाड से हो रहा था, हमारी टेक्निक हम पे यूज़ हो रही थी, और आप स्प्रे देख सकते हो लॉन्डो का, गंदा स्प्रे दिया मुझे, नॉक किया, और ये फ़ौरन से रश कर रहे थे। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि रिवाइव बाद में देना, पहले उनका रश ब्लॉक करो, उनको उनका एक नॉक करो, कवर दे दो, और मेरे टीममेट्स ने ऐसे ही किया। देखो गाइस अच्छी टीम की निशानी, पहले नॉक किया फिर नेट्स फेंक रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी कॉल फॉलो की गई, और वहाँ पे जो है ना फ़ौरन से एक नॉक दिया गया, और देखो दोबारा से नेट आएगा। अब नॉक दे दिया तो लाइक काफ़ी हेल्प हो चुकी है हमारी, और मैं फ़ौरन से हील करके पीछे जाऊंगा, जैसे हील करके पीछे जाने लोगों को फ़ौरन से नेट आएगा हम पे, और हमारे बम पे फटेगा नेट ठा करके। और गाइस फिर से मैंने वही काम किया जो मैं हमेशा अपनी टीम में करता हूँ, चुप करके अलग एंगल ले लिया, और उनको अलग एंगल से करेंगे डिस्टर्ब। आप भी एक ऐसे ही काम किया करो, मैं फ्लैंक करता हूँ अपनी टीम में, और मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, चुप करके आ गया छत पे, और छत पे जाके एंगल होल्ड करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि उनको मेरी पोजीशन नहीं पता। तो चुप करके जो है ना आप बैंड बजा सकते हो पूरे स्क्वाड की, जैसे हमने पिछले वाले स्क्वाड को बचाई, और चुप करके आप किल्स भी ज़्यादा निकाल सकते हो, जैसे हमने 3 निकाले थे गाइस। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर दी, रिवील करके अपनी पोजीशन, और नीचे उनको लग रहा होगा गाइस घर में है, तो पोजीशन ऐसी कि आपकी एनिमी आपसे सरप्राइज हो जाए, उनको कुछ आइडिया ना हो, वो ये सोचे होंगे घर में है। और मैं यहाँ पे बूस्टर मार रहा था आराम से गाइस, बहुत अच्छे प्लेयर थे ये भी, और लॉबी जब टॉप की होती है तो आपको पता है ऐसे खतरनाक प्लेयर आते हैं ना। देखो गाइस कैसे होल्ड करके बैठे हैं, अलग अलग एंगल लेके बैठेंगे, जैसे ऊपर आएंगे तो हम डाउन कर देंगे, और फिर मैं यहाँ पे एक नॉक किया, दोबारा से ट्राई करते कि एंगल मिले, मैं दोबारा से डाउन करूँ, बट मुझे कोई ऐसा एंगल मिल नहीं रहा था। और फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भैया आप रश कर दो, सबसे बेस्ट है। अब गाइस मैंने यहाँ पे क्या ट्राई किया कि जंप करके ना फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊँ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब 2 डाउन थे इनके, और मैं एंगल ले रहा था कि यहाँ से मुझे नजर आया, बट वो कोई सामने नहीं आ रहा था, ये लोग एक ही रूम में जाके बैठ जाते हैं गाइस, रिवाइव भी उधर दे रहे होते हैं और एक ही रूम में जाके बैठ जाते हैं, हम ऊपर जाते हैं रश करने के लिए, और जब अंधा रश करो तो फिर यही होता है, समझ नहीं लगी है कहाँ वो।
और उन बंदों ने इतना ज़बरदस्त काम किया था कि एक एक बंदे ने या शायद दो बंदे थे, उन्होंने हमारी तीन नॉक कर दी, क्योंकि स्मोक की पहले और दोबारा वहाँ जाके कैंप करके बैठ गए। लेकिन जो है ना बस बच जाते हैं, हमारे आखिरी बंदा उनको डाउन कर देता है क्योंकि वो लो होता है। बट गाइस टेक्निक देखो अगले की, तीन क्रेट पड़ी हुई है सामने, स्मोक किया, तीनों एक ही रूम में चले गए, रिवाइव दे के बैठे होंगे, हेल्थ कम होगी। बट हाँ लाइक एक बंदा तो नहीं था, दो से तीन बंदे थे और इन्होंने तो हमारी बैंड बजा दी। बट फिर सबको रिवाइव मिला और हम पचिंग की छोड़ के गाइस यहाँ से निकले अपनी गधा गाड़ी में। और फिर काफ़ी बंदे ढूंढने के बाद हम आ जाते हैं ये मेल्टा वाली साइड पे, और इन कंपाउंड्स में होते हैं बाबा जी बंदे। अपनी गधा गाड़ी रोकी और फिर मैं मेरे टीम में आके जाते हैं, मैं फिर से अलग रहता हूँ उनसे। फिर यहाँ पे गाइस मुझे हिल टॉप पे एक बंदा नज़र आता है, पता नहीं इनकी टीम का था ये अलग था। और फिर मैं यहाँ पे 4x को डाउन किया, लेकिन उसने बहुत गंदा डैमेज दे दिया था मुझे, 1 HP बची है। और एक तो सांप यहाँ पे निकला, बाहर निकला था सांप, उसको भी डाउन कर दिया मेरे टीममेट्स ने। और फिर घरों में बंदे बचे थे जिन पे मेरा स्क्वाड जो ऑलरेडी रश कर चुका था बाबा जी। फिर अपना किल सिक्योर करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा किल चोरी हो जाए। किल चोरी होने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम्हारी KD बढ़ाने का राज होता है एक किल। फिर पेन किलर मार लिया और लूट करेंगे, बाकी अपने टीममेट को मारने दो भाई, वो जा रहे हैं तो हम जाएंगे, किल वैसे नहीं मिलना, फिर बेइज्जती हो जाए। इससे अच्छा है जाके तुम क्रेट लूट लो। और ऑल डेड हो चुके थे यहाँ पे गाइस, 8 किल मेरे थे, 14 लाइफ थे। फिर आता ड्रॉप और हम फॉरन से फेंकते स्मोक, वेस्ट नहीं है क्योंकि ड्रॉप जाके लूटेंगे लेवल 3 होगा, फिर हम ब्लाइंड रश भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लेवल 3 जो है ना गाइस वो आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर M4 है ना, आप उसका एक हेड मारोगे लेवल 1 हेलमेट को तो बंदा नॉक हो जाएगा, अगर M4 के 2 हेडशॉट मारोगे लेवल 2 हेलमेट को तो वो नॉक होगा, अगर आप 3 हेडशॉट मारोगे लेवल 3 हेलमेट को तो वो नॉक होगा। तो मतलब आप जो है ना लेवल 3 में काफ़ी सेफ हो। फिर कैसे हमने यहाँ पे रश किया, कंपाउंड में 11 लाइव थे, और आके हम मैं जो है ना यहाँ पे बालकनी या गैलरी पता नहीं क्या होती, बालकनी बोल लो, पता नहीं मेरी अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोर है। हाँ बस एक खुला सा जो होता है छत का, छोटी छत हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, छोटी वाली छत, या वहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा ओम से लगाता है मेरे टीममेट के कान के नीचे, और वो लगाते हैं यहाँ से। अब गाइस ये जो था ना, ये जो लेफ्ट पे रेड घर है ना, उनका टीममेट था, ये सोलो था यहाँ पे। तो मैं जुबी को बोला भाई देखिए अकेला है यहाँ पे, करते हैं रश इस पे और इसको करते हैं डाउन, क्योंकि अकेले बंदे पर रश करेंगे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, उसकी टीम भी प्रेशर में आ जाएगी। तो हम एम ऊपर करके भाग रहे थे, जैसे उसने पीक ली गाइस दोनों ने स्प्रे दिया, मैंने उसको डाउन किया और फिर मैं जाके उसको जो है फिनिश करने का ट्राई करूँगा। और मज़े की बात ये थी कि इसके पास थी हमारी पहली मोहब्बत AWM, क्योंकि इसने ओम से हमारे टीममेट को नॉक किया था। फिर हम ऊपर आ जाता हूँ, देखो गाइस पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ऐसी जगह कवर में रहे कि अब इसके टीममेट के पास स्नाइपर है, और ये ऐसी जगह चला गया कि अगर मैं इसको मारने जाऊँगा तो उसका टीममेट स्नाइपर से मारेगा मुझे। बट मैं फ़ौरन से प्रोन हो जाता हूँ, रेड घर से वो उस एंगल लेके यहाँ पे मुंह निकाल के खड़ा था। फिर मैं ऑक गिरा दी, क्योंकि M4 तो हम नहीं गिरा सकते ऑक की जगह, ऑक गिरा दी, 6x6x6 उठा लिया, लेवल 3 की वेस्ट वगैरह उठा ली, 8x लगाएंगे अपनी पहली मोहब्बत AWM पे, और एम करेंगे रेड घर पे जो पीक ले रहा है, उसके बाद हमें रश करना पड़ेगा बाबा जी। इतनी एमओ उसने वेस्ट कर दी थी, बड़ा ख़राब लगा मुझे, 4 एमओ बची हुई हैं गाइस सिर्फ। फिर रेड घर में मैंने देखा बंदा पीक ले खड़ा, तो मैं एंगल लूँगा उस पर, छोटी सी पीक लूँगा गाइस बिल्कुल, और छोटी पीक हम ऐसे लेंगे, देखो पहले स्पॉट किया, पहले से पीक ली, और फिर स्कोप छोटा छोटा करके साइड पे करेंगे, फौरन से हेडशॉट देंगे, जैसे नॉक को अब हमें करना है रश। हमें फिर अकेले नहीं करना गाइस, 2 टीममेट लेके जाओ कि अगर आपके टीममेट को मारते हो तो आप स्प्रे से डाउन करो, अगर आपके टीममेट आपको मारते तो आपका टीममेट डाउन करे। तो हम ऐसे देखो दोनों विंडो पे एम करके ऊपर भाग रहे हैं, कहीं से भी पीक ले हम लोग स्प्रे दे देंगे, और एक बंदा उनका गाइस नीचे जंप कर जाता है और दूर से अलग पड़ रही होती है, अंदर चला गया, एक टीममेट हमारा अलग स्पॉट से फायर दे रहे थे तो वो डाउन है, उसने तो भाई डरा दिया M249 से। फौरन से फर्स्ट एड लगाऊंगा, और ऊपर बंदे गैस 2 अलग बचे हुए हैं, तो फिर हम डायरेक्ट रश नहीं करेंगे क्योंकि कैंपिंग कर रहे होंगे डेफिनेटली, और पूरा खा जाएंगे, और हम नहीं चाहते ऐसे मोड़ पे आके मर जाएं। और ये नेड निकाला, और इससे बकवास नेड आपने नहीं देखा होगा, ये देखो इससे बकवास नेड आपने नहीं देखा होगा, मैं बोला था ना। फिर हम दूसरा नेड करेंगे बाबा जी, जितने नेड हम ऊपर फेंक देता हूँ मैं अलग अलग विंडो से फेंक दो सारे नेड, कि एनिमी कहाँ भी जाएगा आपके नेट से फट जाए, गन यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अब देखो इतने नेट करने के बाद भी वो नहीं फटेंगे, ये देखो कहाँ बैठा था लॉल। लेकिन ये बंदा लो था क्योंकि ये शायद से ना नॉक हुआ था, और फिर अपने टीममेट को हम करेंगे रिवाइव, ये शायद से नॉक हुआ था, और नॉक होने के बाद ना इसने हील नहीं किया था, तो मेरी 4 बुलेट ही लगी शायद से, मैंने रीलोड भी नहीं कर रखी थी। और अब मुझे एक बात बताना, किस किसने नोट किया कि मेरी गन रीलोड नहीं थी, और आप बोलना चाह रहे थे आराम से भैया गन रीलोड नहीं है, ये मारा गाइस किल चोरी किया हमने बॉडी शॉट।
अब मेरे टीममेट अलग फाइट दे रहे थे दो इनसे, तो मुझे नहीं पता नहीं कि कितने नॉक थे कितने नहीं। मज़े से जंप करते करते बाकी स्पॉट करने को ट्राई करता, अपना किल सिक्योर करेंगे। और गज एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका डैमेज ज़्यादा है ना, किल आपके टीममेट से बराबर है, तो आप एमवीपी आ सकते हो। तो डैमेज अपना ज़्यादा ही रखा करो एमवीपी आना है तो। और ये आखिरी बंदा ने स्पॉट किया बट हमें नहीं मिलता इसका किल। और ये था यूरोप, और यूरोप में वही 1 स्टार 2 स्टार एस चलता रहता है गज मेरा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे को बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाना और सपोर्ट करना गाइस। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, मज़े मज़े की वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं वहाँ पे, मेरी पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बाकी गाइस रमज़ान है, अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखना, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अनॉनिमस की पब्लिक लव यू, अल्लाह हाफिज़।